वेलकम बच्चों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के इस चैनल में। आज आशुतोष सर आपके सामने लेके आए हैं एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन कार्बन कंपाउंड्स का सिर्फ एक टॉपिक में। ठीक है, आज इस वीडियो को अगर आपने देखा तो आप समझ लो कि आपके 3 से लेकर 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर में होता है वो होता है व्हाट हैपेंस व्हेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेनली नोन फॉर द व्हाट हैपेंस व्हेन और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं तो उसे कुछ क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, कि जैसे 2 यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या है, और उसके बाद कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो C4- क्यों नहीं बनाता है, C4+ क्यों नहीं बनाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इन सबको छोड़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड कवर करता है वो इतने रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब, क्या होगा जब कार्बन बर्न्स इन एयर, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, जब कार्बन हवा में जलेगा तो क्या होगा। बच्चे बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने में, बहुत डिफिकल्टी होती है उनको याद करने में इन रिएक्शंस को, और एग्जाम में ये आना भी कंफर्म है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी सैंपल पेपर को उठा के देख रहे हैं, आप किसी भी अपनी एनसीईआरटी की बुक के किसी भी पेज को देख रहे हैं, हर पेज में आपको एक रिएक्शन दिखाई पड़ रही है, और उन रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम आपके सामने रख रहे हैं और समझाने जा रहे हैं कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या होते हैं रिएक्टेंट्स, एंड दे अंडरगो सर्टेन टाइप ऑफ कन्वर्जन, उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होते हैं एडिशन रिएक्शंस, जिसमें दो छोटे छोटे इस रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कोई एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई एक पार्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल आता है और वो जो पहले से रिएक्टेंट होता है उनमें से किसी एक चीज को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ जाता है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मींस व्हेन एवर ए पार्टिकुलर एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इज रिमूव्ड बाय ए सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, दैट इज सेड टू बी ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसी तरीके से और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जिनमें से हमें कोई चीज ऐड नहीं करनी है, पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास है उनमें से हम कुछ चीजें जो पहले से एटम्स है उनको रिमूव करते हैं, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, रेडिकल रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है, रेडिकल रिएक्शंस है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस। लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस उन्हीं बातों पे करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पहला क्वेश्चन है क्या होगा जब कार्बन बर्न करेगा एयर में। तो कार्बन मींस सी, और जब वो एयर के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो मेनली वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोक जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या होगा, कोल चारकोल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या होगा, या फिर प्लेनली कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन तो क्या होगा। तो व्हेन कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट प्लस लाइट एनर्जी। ठीक है, तो जब कार्बन बर्न करेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। हाँ, अगर इसी जगह पर लिखा हो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर देन व्हाट विल हैपन, तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा CO, और सफिशिएंट या नॉर्मली ऑक्सीजन अगर है तो क्या बनेगा CO2। क्लियर, वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, क्या होगा जब मीथेन हवा में बर्न करेगा। तो मीथेन, मेथ मींस वन कार्बन, ठीक है, मेथ मींस वन कार्बन, एंड इट इज सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला CnH2n+2, दैट इज H4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर हमारा मीथेन जो CH4 है अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनेगा, अगेन CO2 एंड H2O विल बी रिलीज्ड अलोंग विद द हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक, मतलब बस क्या है कि मीथेन, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन, सर कोई भी हाइड्रोकार्बन, यस कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 और H2O निकलता है। इवन अगर लाश भी जलती है, ह्यूमन बॉडी भी जलती है, तो भी जलने के बाद क्या होता है, उसमें से काला धुआं निकलता है और वाटर वेपर निकलता है। अगर आप लाश के एक तरफ से खड़े होकर जलते हुए उसको देखो, दूसरी तरफ की चीजें आपको हिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर वेपर इज कमिंग आउट इन द, जो उसके स्मोक है उसमें निकल रहा है, और काला धुआं जो निकल रहा है ब्लैक पार्टिकल्स, दैट इज इंडिकेटिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड इज बीइंग फॉर्म्ड. तो मीथेन व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स CO2H2O. अब इसे हमको बैलेंस करना है. कार्बन कितना है एक, इधर कार्बन कितना है एक, हाइड्रोजन कितना है फोर, इधर हाइड्रोजन कितना है टू. हमने क्या किया, इधर लिख दिया 2H2O. तो 2 × 4, नाउ फोर हाइड्रोजन इज देयर, ऑक्सीजन टू, हियर ऑक्सीजन इज फोर, सो वी विल राइट ऑक्सीजन टू. तो इन दिस वे द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस. लेकिन एग्जाम में जब तक कहा ना जाए कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, नो नीड टू बैलेंस इट, क्योंकि हो सकता है वो गलत हो जाए. तो गलत बैलेंस करने से अच्छा है कि आप मत बैलेंस करो, जब तक ये कहा ना जाए कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एलपीजी इज बर्नड इन एयर. एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एलएनजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस. तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इस जो गैस सिलेंडर आपके घर में आता है उस पर लिखा होता है इंडेन. इंडेन मतलब होता है इंडियन अल्केन, जो हमारा भारतीय अल्केन है, इसलिए उसका नाम पड़ा इंडेन. इंडेन इज नॉट एनी कंपनी, ठीक है. उसके बाद में फिर जब इसके अंदर हम देखते हैं क्या रहता है गैस के अंदर, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर हो सकता है, और इट इज माइट बी द मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, या फिर ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होगा, ठीक है. कई जगहों पर प्रोपेन का इस्तेमाल करते हैं ब्यूटेन के साथ, पर अपने यहां पर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिक्सचर को लेते हैं. लेकिन जब गैस लीक करती है तो एक स्मेल आती है. वो जो स्मेल आती है वो किस चीज की होती है, दैट इज इथाइल मरकैप्टन. क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन, C2H5SH. इथाइल मरकैप्टन इज एडेड इन द गैस टू डिटेक्ट इट्स लीकेज. उसके लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है C2H5SH. क्लियर, ठीक. तो फिर क्या होता है, तो हम इसमें ले लेते हैं सिर्फ प्रोपेन को लेते हैं. जब हमें इस रिएक्शन को लिखना होता है तो वी राइट प्रोपेन C3H8, और C3H8 को जब हम ऑक्सीजन से हीट करते हैं, जलाते हैं, तो ये बनता है. इसको ठीक से हम क्लियर लिख दे रहे हैं, C3H8 व्हेन ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स CO2 अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर. ठीक, अब हम देख पा रहे हैं यहां पे कार्बन कितना है 3, हमने यहां भी कार्बन 3 ले लिया C3. H कितना है 8, यहां पर H कितना है 2, हमने यहां पे 4 ले लिया, 4 × 8 = 8. ऑक्सीजन 3 × 6 और 6 + 4 = 10, तो यहां हमने 5 ले लिया. नाउ यू कैन सी दैट इक्वेशन इज बीइंग बैलेंस्ड. 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 4 × 8 = 8 हाइड्रोजन, 5 × 10 ऑक्सीजन, 3 × 6 = 6 + 4. सो इन दिस वे व्हेन एलपीजी इज बर्न्ड इन एयर, और यू कैन से व्हेन प्रोपेन इज बर्न्ड इन एयर, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद द सेम दैट इज हीट एंड लाइट एनर्जी. इन दोनों को भी साथ में ही देता है. तो दीज थ्री रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. हम और नीचे आते जा रहे हैं, और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती जा रही है हमारे सामने. नेक्स्ट हमारा है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथीन अंडरगोस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. क्या होगा जब इथीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा. इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है. एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें कोई चीज ऐड होती है. जो चीज ऐड हो रही है वो हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजिनेशन. अगर क्लोरीन ऐड हो रही है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड हो रहा है ब्रोमीनेशन, वाटर ऐड हो रहा है हाइड्रेशन. तो यानी जो चीज ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इथीन में, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. अब ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम. ठीक है, तो सिंस दिस एडिशन इज गोइंग टू हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन. ठीक, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया सेवेटियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन, SABATIER, सेवेटियर एंड SENDEREN एपोस्ट्रोफी S, सेंडरेंस रिएक्शन. तो सेवेटियर एंड सेंडरेंस रिएक्शन से बोलते हैं, इसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसे हम एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, इसे हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये हमने लिया इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम. ठीक है, और ये क्या बनने जा रहा है, इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3CH3, दैट इज इथेन. इथेन इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम इथीन. इथीन से इथेन बन रहा है. क्या हम इथाइन से इथेन बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं. इथाइन में भी अगर हम दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इथीन बनेगा, अगर इथीन में दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इथेन बनेगा. हम डायरेक्टली रिएक्शन करना चाह रहे हैं तो इथाइन में सीधे हम 2H2 ऐड कर देंगे. क्या ऐड कर देंगे, 2H2, दैट मींस 4 हाइड्रोजन विल बी एडेड, एंड फ्रॉम इथाइन डायरेक्टली इथेन कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सेम कैटलिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट आता है, वेजिटेबल ऑयल इज हाइड्रोजनेटेड. क्या होगा जब वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजनेटेड होगा. ये बिल्कुल 10th क्लास की सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. हम सीधे सीधे यहां पर लिखते हैं वेजिटेबल ऑयल, यहां पर लिखते हैं हाइड्रोजन, यहां लिखते हैं निकिल, एंड वेजिटेबल घी इज बीइंग फॉर्म्ड.
वेजिटेबल घी इज बीइंग फॉर्म, यानी कि इफ वी विश टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल सिंपली वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन इन देम इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एंड डेफिनेटली वेजिटेबल घी इज बीइंग फॉर्म. सो वी हैव सीन 1, 2, 3, 4 and 5 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. नाउ जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट होती जा रही है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को नोट करके रख लीजिएगा कि जिस बच्चे ने इस वीडियो को देखा डेफिनेटली उसके 5 to 6 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, बहुत आराम से उसको ये मार्क्स मिलने जा रहे हैं. ठीक, आप इसका एक नोट्स बनाइएगा और इसको जरूर से याद करिएगा. नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज बर्न्ड, जब इथेनॉल को जलाया जाएगा तो क्या होगा. इथेनॉल एथ मींस दो कार्बन, तो फॉर्मूला है C2H5OH. इथेनॉल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा. अगेन कोई भी हाइड्रोकार्बन है निकलना तो CO2H2O है और साथ में हीट लाइट, तो ये क्या होगा, CO2 इज बीइंग फॉर्म्ड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर वेपर. कार्बन दो है, यहां पे भी हमने कार्बन दो कर दिया, हाइड्रोजन 5 + 6 है, यहां पर हमने 3 कर दिया, 6 हो गया. ऑक्सीजन यहां पर अभी 2, 1, 3 ऑक्सीजन है, यहां पर कितने हो चुके हैं हमारे पास 2 + 4, 4 + 3, 7, तो हमने क्या किया यहां पे 3, 3 + 6 और 7. नाउ यू कैन सी टू कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और 3 + 6 = 7 हाइड्रोजन 2 + 4 + 3 = 7. तो इन दिस वे जब इथेनॉल बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साथ में वही हीट और लाइट एनर्जी. ठीक, तो एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी यहां पर इस वीडियो को देखते समय कि हाइड्रोकार्बन चाहे मीथेन हो या प्रोपेन हो या फिर वो इथेनॉल हो, निकलना CO2H2O ही है. क्या निकलना है, CO2 और H2O ही है. तो हाइड्रोकार्बन व्हेन एवर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ऑलवेज गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेरा फेवरेट रिएक्शन है, अगर मुझे पेपर सेट करना होता मतलब मैं इस क्वेश्चन को जरूर देता कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन इथेनॉल, क्या होगा जब सोडियम मेटल को इथेनॉल के अंदर ड्रॉप किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इथेनॉल मतलब C2H5OH, और इसमें जब हम लोग सोडियम मेटल को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा. यहां पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि जैसे ये इथेनॉल है, ठीक है, तो इथेनॉल इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर. इथेनॉल एसिडिक भी होता है, इथेनॉल बेसिक भी होता है. अगर इथेनॉल को हम ब्रेक करते हैं और ये ब्रेक होने के बाद C2H5+ और OH- आयन ये रिलीज करता है तो इथेनॉल इज शोइंग इट्स बेसिक प्रॉपर्टी, ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है. वहीं पर अगर इथेनॉल को हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि C2H5O- + H+, तो इट इज शोइंग इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी बिकॉज एसिड्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस विच रिलीजेस H+ आयंस. एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन को रिलीज करते हैं. तो यहां पर ये इथाइल है और ये क्या है, O- है, ये ऑक्साइड है. दोनों को हम मिला लेंगे तो बन जाता है इथॉक्साइड आयन. क्या बन जाता है, इथॉक्साइड आयन. तो अब सोडियम मेटल है, सोडियम इज गोइंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करने जा रहा है. और अब सोडियम अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने जा रहा है तो इट विल बिकम C2H5O- + H+ + Na. अब Na यहां पर H को रिप्लेस करके आ जाएगा एंड इट विल बिकम C2H5ONa विच इज नोन एज सोडियम इथॉक्साइड. क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. उसके लिए हमें यहां पे 2 मोल्स लेना होगा, यहां पे 2 मोल्स लेना होगा. तो व्हेनेवर इथेनॉल इज ट्रीटेड विद मेटालिक सोडियम इट फॉर्म्स सोडियम इथॉक्साइड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी. हम सीधे-सीधे आपके सामने रिएक्शन लिखे दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ना है. C2H5ONa + H2, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने पहले कहा कि इस रिएक्शन को अगर मुझे पेपर सेट करना होता तो मैं इस रिएक्शन को जरूर देता. नेक्स्ट आता है इथेनॉल अंडरगोस पार्शियल ऑक्सीडेशन. अगर इथेनॉल का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या फॉर्मेशन होगा. तो इथेनॉल के जब पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो उस समय वहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन का. क्या कर रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन का. नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन इन द एटॉमिक स्टेज. जब ऑक्सीजन ब्रैकेट में रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, यानी न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, या कह सकते हैं ऑक्सीजन इन द एटॉमिक स्टेज. तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने ये C2H5OH इसको लिया. ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोगों ने नेसेंट ऑक्सीजन से कराया. ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ
CrO3 दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में या फिर CH3COH के प्रेजेंस में, ठीक है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। और हम लोगों को मालूम है कि यहां पर जो शराब होती है, हम शराब से कभी नहीं मरते, जबकि अखबार में कई बार निकल के आता है कि जहरीली शराब पीने से 12 मरे, 200 मरे, 100 मरे, तो वो जहरीली शराब क्या होता है, तो बेसिकली इथेनॉल इज नॉट डेंजरस, बट इथेनॉल का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और हमारे बॉडी में जब वो इथेनॉल बन जाता है, दैट मीन्स एल्डिहाइड बन जाता है, तो दैट एल्डिहाइड इज पॉइजनस टू अस, वो एल्डिहाइड हमारे सामने हमारे लिए बहुत पॉइजनस होता है। या कई बार ऐसा होता है कि इथेनॉल में जानबूझकर हम लोग पायरिडीन या कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डीनेचरिंग द अल्कोहल, अल्कोहल को हम लोग डीनेचर कर देते हैं, तो वो जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है जिसमें हम मिथेनॉल मिला दिया, कॉपर सल्फेट मिला दिया या पायरिडीन मिला दिया, तो मिथाइलेटेड स्प्रिट हो जाता है एंड दैट इज डेंजरस, वो ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है, लीडिंग टू डेथ, ठीक है, वो हमारी जान भी ले सकता है। तो यहां पर जब हम लोग इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्डिहाइड CH3CHO प्लस H2O, दिस इज नोन एज इथेनॉल, क्या बन रहा है, इथेनॉल। तो अगर इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना है, मैंने क्या बोला, इथेनॉल से इथेनॉल अगर बनाना है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना है, क्रोमियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने आना है, ठीक। नाउ इथेनॉल अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अब हम इस इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी लेना पड़ेगा हमें नेसेंट ऑक्सीजन, से ही रिएक्शन होता है बेसिकली ये, ठीक है, बट इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट के अंतर्गत होता है, किससे, KMnO4, तो व्हेन KMnO4 इज मतलब इथेनॉल इज ट्रीटेड विद KMnO4 इट फॉर्म्स CH3COH, तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन होता है, CH3COH का, अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर, पानी के साथ साथ वेपर के साथ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लगभग ऐसा कोई साल नहीं बीतता है कि जिसमें सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन इथेनॉल क्वेश्चन ना पूछा जाए या फिर इथेनॉल अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना पूछा जाए, तो इन दोनों क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि इनको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो इथेनॉल इथेनोइक एसिड से ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेट किया जाएगा तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से, ये 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, वो आईसीएसई बोर्ड हो, दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे सामने नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड, जब हम लोग इथेनॉल को डिहाइड्रेट करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को रिमूव करना। अब चूंकि आपके क्लास में ईथर नहीं बताया था कि ईथर का फॉर्मेशन होता है, आपके यहां सिर्फ बताया था कि इथीन का फॉर्मेशन होता है, बट टू कंडीशन आर पॉसिबल कि इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं 443 केल्विन पे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड देन इथीन इज बीइंग फॉर्म्ड, और अगर 2 moles ऑफ इथेनॉल हमने ले लिया, सेम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एंड टेम्परेचर इज 413 केल्विन, इन दैट केस डाई मिथाइल ईथर इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, कैसे है और देखते हैं। ये हमने लिया C2H5OH और इसका हम डिहाइड्रेशन करने जा रहे हैं, दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक लेने पे क्या होगा, वाटर इसमें से रिमूव कर जाएगा, टेम्परेचर जो हम लेंगे दैट विल बी 443 केल्विन और इसको हम हीट करेंगे, ये क्या होगा, इट विल बिकम C2H4 प्लस H2O। एक्चुअल में इस रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो जैसे ये C है, C और ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक है, और ये H H H H H O H, ठीक। अब जैसे ही ये तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड आता है, यहां से क्या होता है, ये वाटर रिमूव होता है, क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, और जब वाटर रिमूव होता है तो जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो ऐसे करके आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और ये कुछ ऐसा बन जाता है, C डबल बॉन्ड H H H H along with the liberation of water, this is known as ethene, क्या हो गया, ethene, ठीक है, ये एक कंडीशन है जो एग्जाम में आपके आनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं फॉर्मेशन जो है वो ईथर का भी होता है, तो ईथर का भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, आप देखिएगा जरूर, इसमें से क्वेश्चन आने जा रहे हैं, डेफिनेटली आने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़े से चीजों को इरेज करेंगे यहां पर ताकि आपको हम आगे बता सके।
हम लोग देख पा रहे हैं फिर से एक बार इथेनॉल को डिहाइड्रेट किया जाएगा, तो एक कंडीशन तो वो हो गई। दूसरी है अगर हमने 2C2H5OH को ले लिया, ठीक है, इस बार फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया बट टेम्परेचर 413 केल्विन कर दिया, तो क्या होगा, यहां से ये जो 2C2H5 होंगे ये ऑक्सीजन के अगल बगल घूम जाएंगे, C2H5O C2H5, ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, दिस इज नोन एज इथॉक्सी इथेन, क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन, या फिर इसे हम बोलेंगे कॉमनली एज डाई इथाइल ईथर, ठीक है, ये एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन थी कि अगर यही 443 केल्विन टेम्परेचर कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, ठीक। इथेनॉल इज ट्रीटेड विद इथेनोइक एसिड, क्या होगा अगर इथेनॉल का इथेनोइक एसिड से ट्रीटमेंट कराएंगे, इसके हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं अगर उसको आप देखते हो तो आपको एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस्टरीफिकेशन, इन सब की बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये तो मैं आपको सीधे हिंट कर रहा हूं, सीधे टारगेट कर रहा हूं कि वो बोर्ड एग्जाम में कौन से रिएक्शन है जो कार्बन कंपाउंड्स में आएंगे, और मैं दावा कर रहा हूं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर से नहीं आएगा। जितनी रिएक्शन आप देख रहे हो, अगर इतनी रिएक्शन आपने रट ली तो एक भी क्वेश्चन बाहर, जो बहुत कम पढ़ने लिखने वाले हैं, जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते पढ़ाई में, वो सिर्फ इतने क्वेश्चन को रट लो, और जो टॉपर्स बनना चाहते हैं कि हम टॉपर्स बनेंगे तो उसके लिए क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं ये सारी रिएक्शंस भी रटनी ही पड़ेगी, यानी किसी भी कीमत पे इन रिएक्शंस को आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, इथेनॉल शराब को जब हम एसिड में डुबोएंगे तो क्या होगा, तो एक फ्रूटी स्मेल आएगी, ठीक है, और ये रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, C2H5OH प्लस, हम इसको उल्टा लिख दे रहे हैं, CH3COH, ठीक है, फिर एसिड है तो इसका H हो जाएगा, अल्कोहल है तो इसका OH हो जाएगा, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और ये इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज बीइंग रिमूव्ड और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COC2H5, साथ में वाटर रिलीज होगा। दिस इज एन इस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, इस्टरीफिकेशन। अब ऐसे में क्या होगा, हमेशा हम नाम कैसे लिखते हैं, हम नाम पहले उसका लिखते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इथाइल, ये C2H5, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, या हम बोल सकते हैं इसे इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, इस्टरीफिकेशन रिएक्शन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, क्लियर, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें तो हम और चीजें आपको बताएंगे, लेकिन यहीं पर हम आपको आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं, तीन रिएक्शन हैं, इसको खत्म किए दे रहे हैं आपके सामने, जो इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, इसको इरेज करके हम जल्दी से आपको बताते हैं क्या होगा, ये इसको देखिए आप, अगर इथेनोइक एसिड का हम सोडियम कार्बोनेट यानी CH3COOH प्लस Na2CO3 रिएक्शन होगा तो क्या होगा, और इसके बाद इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट CH3COOH प्लस NaHCO3 तो क्या होगा, और ईस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड दैट मींस CH3COC2H5 इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। दीज थ्री रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला देखते हैं, ये क्या होगा, यहां से H निकल जाएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो Na विल कम एंड एट द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH3CONa प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम एसीटेट, क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट इज बीइंग फॉर्म्ड। यहां पर भी वही होगा, CH3CONa प्लस H2O प्लस CO2, अगेन सोडियम एसीटेट विल फॉर्म, और यहां पर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी कि ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा तो किसमें, अब ये CH3CO C2H5 और NaOH है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स कितने लोगों ने पढ़ाई की है, जब हमारे सामने इन रिएक्शंस के आंसर आएंगे, क्लियर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट टाइम में बहुत जल्दी आपके सामने ऑनलाइन रहूंगा और मैं आप लोगों को एग्जाम की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि आपका फ्री है, कब हम अपने वीडियोस आपके सामने रखें, कब हम ऑनलाइन रहें। फिलहाल ये जितने भी देख रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन, या तो आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन, या तो आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग है, व्हाट हैपेंस व्हेन, या हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, आप इस कन्वर्जन को कैसे कैरी करेंगे, ये तीन क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के बिना सफलता आपके हाथ नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे तो उसके लिए इस रिएक्शन को याद करना बहुत जरूरी है। सो नमस्कार बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।